ले लेते, यही ना सर, फोन जमा हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, तो वो फिर स्टूडेंट का नहीं है, तो वो फोन इंस्टीट्यूट का है, संस्था का है। अच्छा, टैली सीखने जाते हैं किसी भी सेक्टर में तो आपको 3,000 से 2,500 रुपया तक लगता है सिर्फ एक एप्लीकेशन का। आप होता है 1,000 रुपया स्टूडेंट को 3 महीने बाद आपको बैंक अकाउंट पे रिटर्न हो जाता है सारा। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आते हैं 3 महीने के अंदर में ही हम लोग एक्स्ट्रा भी पढ़ा देते हैं, जैसे कि ये सर्टिफिकेट आपको बिना कोर्स के कहीं नहीं मिलता है। नहीं मिलता। वर्ड कहाँ पे बोलना चाहिए, कहाँ पे नहीं बोलना चाहिए, फैमिली में कौन सा वर्ड बोलना चाहिए और दोस्तों में क्या वर्ड बोलना चाहिए, आप देख सकते हैं काफ़ी फोन है। और जो भी स्टूडेंट आते हैं फोन से भी, सर उसको कैसे सर फोन से पढ़ाया जाता है सर? तो जैसे कि लाइव में जाकर के मैं स्टूडेंट से बात किया और सर से भी बात की, और यहाँ पे देख सकते हैं KYP का जो है थ्योरी क्लास यहाँ पे चलता है। और चलिए सर से हम बात करते हैं, बैठ जाएंगे आप लोग। तो सबसे पहले सर स्वागत है हम आप तक न्यूज चैनल में। थैंक यू सर। आप कौन सी क्लास ले रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे अभी तो फिलहाल ये न्यू स्टूडेंट है, हम जो क्लास लेते हैं वो लैंग्वेज स्किल का और सॉफ्ट स्किल का क्लास लेते हैं, जो कि कम्युनिकेशन और व्यवहार कौशल में आता है हमारा जो क्लास है। और अभी जो आप सर से मिल के आए हैं लैब में, वो IT का लेते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड आता है। कंप्यूटर से रिलेटेड जैसे कि अप्लीकेशन और ऑनलाइन संबंधित टोटल और बेसिक जो था। अभी जो आप थ्योरी में स्टूडेंट देख रहे हैं, इन लोगों का बेसिक भी चल रहा और प्लस सेंटर के अकॉर्डिंग कैसे क्या क्या है, कैसे आना हुआ, अभी जो स्टार्टिंग होने वाला है इन लोगों का बैच, तो इन लोगों को ऑनलाइन क्लास में क्या करना पड़ सकता है, वो सब इन लोगों को अभी पहले जानकारी दिया जाएगा। उसके बाद ये लोग फिर लैब में जाके सेम चीज़ को करेंगे। पहले यहाँ पे टोटल चीज़ बताया जाता है कि आप क्या क्या करने वाले हैं ऑनलाइन क्लासेस में, प्लस ऑफलाइन क्लास जो चलता है यहाँ पे थ्योरी, वो थ्योरी पूरा नोट डाउन करवाने के बाद लैब में जाके करना होता है, वही होता। और उसमें मेरा रोल यह है कि हम कम्युनिकेशन और पढ़ाते हैं जो लैंग्वेज स्किल, जिसका हमारा बिहार सरकार जो दिया गया वो 3 सिलेबस दिया है, BSCIT, BSCLS और BSCSS, जिसमें हमारा BSCS और BSCLS ये दोनों हमारा उसमें सब्जेक्ट है पढ़ाने के लिए, तो वो हम पढ़ाते हैं, जिसमें हम कम्युनिकेशन स्किल देते हैं। कम्युनिकेशन स्किल में ये रहता है कि आप कम्युनिकेशन होता है मतलब संचार, बातचीत तो करते हैं, लेकिन हम लोग बहुत सारा बातचीत अलग अलग वे में करते हैं। जो बात हम घर में करते हैं वो बाहर में नहीं करते, जो बाहर में करते हैं वो घर में नहीं करते, तो उस चीज़ को एक्चुअल में क्या बोलते हैं, वो बातचीत तो जनरली सब करता है लेकिन एक्चुअल में उस वर्ड को क्या बोलते हैं वो नहीं पता होता। अच्छा। तो वो होता है कहीं ना कहीं सिखाए हुए टॉक्स भी सिखाए तो मोटिवेट। हाँ, टोटल होता है कि बातचीत करना, बात तो कर रहे हैं, मान लीजिए एक होता है जैसे आगे आई लैंग्वेज स्किल में कि आप बातचीत क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, कौन सा वर्ड कहाँ पे बोलना चाहिए, कहाँ पे नहीं बोलना चाहिए, फैमिली में कौन सा वर्ड बोलना चाहिए और दोस्तों में क्या वर्ड बोलना चाहिए, ये हो गया आपको कम्युनिकेशन स्किल, जो कि बातचीत हो गया। और सॉफ्ट स्किल हो जाता है जो कि लैंग्वेज स्किल से रिलेटेड होता है। आप कहीं पे हम लोग बात कर रहे हैं एक्चुअल में, कोई पब्लिक में बात कर रहे हैं, कभी दोस्त के साथ बात कर रहे हैं, किसी रिलेटिव के घर बात कर रहे हैं, तो बात तो कर रहे ठीक है लेकिन बोल रहे ठीक और हमारा बॉडी लैंग्वेज ठीक है नहीं है, व्यवहार ठीक है नहीं है, कोई फ़ायदा होगा? तो वो हम लोग दोनों को कॉम्बिनेशन बना के हमारा काम में उसको पढ़ाना कि आपको बैठना कैसे और बोलना कैसे। और प्लस हेजिटेशन प्रोवाइड। हेजिटेशन क्या होता है कि आप बच्चा जो झिझक होता है ना कि अभी आए हैं, अगर मान के चलिए इन बच्चों को हम बोर्ड पे ला देते हैं, कुछ टॉपिक दे देंगे बोलने के लिए, वो डरेंगे। अब प्लस एक आदमी को समझाना आसान है और 10 आदमी को समझाने के लिए बोलेंगे तो थोड़ा डरेंगे, क्या बोलेंगे, क्या उधर से क्या बोल देगा, समझा? तो वो हेजिटेशन प्रोवाइड में हम लोग करवाते हैं। हेजिटेशन प्रोवाइड के साथ साथ ये होता है कि हेजिटेशन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग पहले क्या होता है कि कोई कोई टॉपिक देते थे, लेकिन अभी क्या किया है कि खुद से ही चालू करवाया है, जैसे कि इंट्रोडक्शन, परिचय देना चालू करवाया है। तो अभी इन लोगों का तो अभी न्यू है, तो अभी उन सब अभी लिखवाए नहीं है, जो उधर स्टूडेंट हैं उन लोगों को लिखवा चुके थे जो अभी लैब में पढ़ रहे हैं। सर ये यहाँ जो सिस्टम चलता है वो कैसे चलता है सर? यहाँ का जो सिस्टम है कि जैसे बच्चे को उपलब्ध एक्स्ट्रा भी सर ये सब हो गया। हाँ, पहला है KYP कोर्स में होता है कि वैसा स्टूडेंट जो 10वीं पास है वो आपको यहाँ पे कोर्स IT सेक्टर में आके कंप्यूटर के साथ साथ लैंग्वेज और कंप्यूटर का भी नॉलेज ले सकता है। उसमें आपको तीनों चीज़ का सर्टिफिकेट दिया जाता है, जैसे कि IT का जैसा DCA, कहीं बैठ जाइए आप इधर आके, आपको अगर देते हैं कि क्या बोलते हैं कि अगर हमारे अगर कहीं पे हम लोग जाते हैं तो IT का आपको सर्टिफिकेट मिलता है और DCA के नाम से डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है? और यहाँ पे क्या होता है कि आपको तीनों सर्टिफिकेट दिया जाता है। अच्छा। आपको बोलने आता है या नहीं आता उसका भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, पहले सिखाया जाएगा, उसके बाद नंबर मिलेगा।
सर जो सर्टिफिकेट यहाँ से दिया जाता है सर, क्या आउट ऑफ कंट्री या फिर कहीं भी वो काम करेगा सर वो? इंडिया में, हाँ इंडिया में आपको कोई भी सेक्टर में ले सकता है, उसमें पूरा स्किल प्रोवाइडेड रहता है। MKCL महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये नियुक्त करवाया जाता है, बिहार सरकार BSDM के द्वारा ये प्रमाणित है सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आपको बिना कोर्स के कहीं नहीं मिलता है, बनेगा ही नहीं, कोई चांस ही नहीं। प्राइवेट में क्या होता है कि हम लोग प्राइवेट से अलग बनवा सकते हैं ये सब है, लेकिन यहाँ पे ऐसा होगा नहीं। स्टूडेंट को आना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी होगा। कोर्स करते हैं तब मिलेगा नहीं। हम लोग को सरकार की तरफ से इतना सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप सिर्फ स्टूडेंट को ये एक्सेल एप्लीकेशन जो आता है वहाँ तक आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आते हैं 3 महीने के अंदर में ही हम लोग एक्स्ट्रा भी पढ़ा देते हैं। जैसे कि एक्स्ट्रा में क्या पढ़ाते हैं, ऑनलाइन संबंधित जितना भी कार्य होता है, जैसे कि आपको पैन कार्ड आधार कार्ड डाउनलोड करना, उसके बाद RTPS जाति आवासीय जो होता है प्रमाण पत्र वगैरह, वो सब हम लोग बनाना बता देते हैं। कैसे बनता है पूरा प्रोसीजर वो स्टूडेंट अपना खुद ही बनाते हैं। अगर किसी प्राइवेट साइबर कैफे से बनवाते हैं तो उनको पैसा लगता है, लेकिन हम लोग स्टूडेंट को खुद ही बताते हैं तो वो अपना खुद ही बना लेते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आता है वो पूरा बना लेते हैं। ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा हो गया। प्लस हम लोग DCA होता है कि आप बेसिक से ले करके और एक्सेल तक पूरा एप्लीकेशन आता है, पावर पॉइंट, MS Word, WordPad, Notepad, टोटल सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों, ठीक है। वो उसके साथ साथ HTML भी बता दिया जाता है, कोडिंग जो आता है। HTML कोडिंग भी बता दिया जाता है। C++ जो होता है नहीं, HTML ही ओनली बताया जाता है, ठीक है। हाँ, उसके साथ उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे आप किसी भी सेक्टर में जाइएगा तो आपको ये सब सिखाने का जो पैसा लगता है वो उनका प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम लोग को जो सरकार दिया वो हम लोग सिखा देते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा में हम लोग टैली का भी लैंग्वेज नॉलेज दे देते हैं। अगर आप सिर्फ टैली सीखने जाते हैं किसी भी सेक्टर में तो आपको 3,000 से 2,500 रुपया तक लगता है सिर्फ एक एप्लीकेशन का। अब हम क्या है यहाँ पे क्या होता है कि टोटल एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे पढ़ाएंगे और एक एप्लीकेशन के लिए स्टूडेंट जाएगा पैसा देने बाहर में, तो इसलिए टैली भी हम लोग एक्स्ट्रा में यहीं पे पढ़ा देते हैं नॉलेज के लिए। इसका हम लोग सर्टिफिकेट नहीं देते हैं सरकार, क्योंकि इस तरीका हम तो ये आप लोग अपने हिसाब से एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज दे देते जी एक्स्ट्रा में टैली का भी, ताकि एक्स्ट्रा एक एप्लीकेशन के लिए कहीं बाहर जाके ना पड़े। साथ में अगर ज़रूरत पड़ता है किसी स्टूडेंट को, बाय द वे अगर फोटोशॉप का ज़रूरत पड़ता है कि फोटोशॉप भी सर हमको ज़रूरत है, यहाँ काम है, होता ना कि हमको यहाँ मांगा वहाँ मांगा, तो उस तरीके का हम लोग एक्स्ट्रा टाइम दे करके वो भी कर देते हैं। अभी हमारे पास क्या है, स्टूडेंट लगभग 2018 से अभी चल रहा, ठीक है, 2018 से अभी चल रहा, हम लोग 500 से ज़्यादा स्टूडेंट को पढ़ा चुके हैं। ये आपको हम कम ही बता रहे, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अभी हमारा जो सेंटर पे स्टूडेंट आ रहा है लगभग, ये जो 22 चल रहा है, 22 में हमारा स्टूडेंट हमेशा शुरू से ही 80 रहा, 80 रहा, अभी कितना है रिसेंट में, अभी 120 चल रहा, 120, अभी पिछला वाला भी 120 गया है, अभी वाला भी 120 गया। ये पूरा स्टूडेंट का आपको बता रहा है। एक बैच में 40 होता है, 30 होता है, 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, तो लॉट बनता है 40, 20 और 60 का और 80 का। चैनल के माध्यम से जो बच्चा वीडियो देख रहे हैं, आपको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि अगर डेडिकेटेड है उस चीज़ के लिए, अगर आप इच्छुक हैं पढ़ने के लिए तब पढ़िए, नहीं तो टाइम पास करने के लिए तब ऐसे भी मोबाइल चला सकते हैं, ठीक ना। अगर ऐसा है कि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है ना सर, फाइनेंस प्रॉब्लम के लिए सिंपल है, सपना है कि कंप्यूटर करना, तो कैसे कर सकते हैं? अभी लगा कि फाइनेंस प्रॉब्लम के लिए हम लोग स्टूडेंट से तो पहली बात पैसा नहीं लिया जाता, ठीक है, पैसा नहीं लिया जाता। सरकार की तरफ से रिक्वायरमेंट ये है कि आप एक स्टूडेंट से 1,000 रुपये लेंगे, जो कि सरकार को ही हम लोग पोर्टल पे देना पड़ता है, ठीक है। तो पोर्टल पे जो कटता है तो वो होता है सिक्योरिटी मनी, 1,000 रुपया। इसीलिए सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स चला रही है और ये जो सिक्योरिटी मनी लिया गया है वो 1,000 रुपया। तो सिक्योरिटी अभी क्या है कि 1,000 रुपया कोई बड़ी चीज़ है नहीं, इससे ज़्यादा आपको ऐसे ही पेट्रोल आने जाने में खर्चा हो जाता है। तो 1,000 रुपये हम लोग स्टूडेंट से लेते हैं, जो कि सरकार का बोला गया है कि आपको लेना है। हाँ, टोटल ये 1,000 रुपया स्टूडेंट को 3 महीने बाद आपको बैंक अकाउंट पे रिटर्न हो जाता है। सारा स्टूडेंट से टोटल डॉक्यूमेंट के साथ साथ जो डॉक्यूमेंट इसमें लगता है उसके साथ साथ बैंक अकाउंट भी लिया जाता है। प्लस यहाँ पे जितना भी टेस्ट होता है, अगर इससे पहले स्टूडेंट अगर पढ़ा होगा तो जो ट्यूशन वगैरह पढ़ा होगा वो अगर पढ़ा होगा तो वो पेपर पे एग्ज़ाम दिया होगा, टेस्ट वगैरह जो होता है बीच बीच का साल का, ट्यूशन में स्कूल में भी आप लोग अगर टेस्ट देता है 10वीं का तो वो पेपर पे दिया होगा। लेकिन हम लोग शुरू से ही स्टूडेंट का कोई भी पेपर पे एग्ज़ाम नहीं लेते हैं, सारा का सारा ऑनलाइन। थैंक यू सर आप अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद।
और बहुत अच्छा लगा। आप देखिए हमारे स्टूडेंट सबसे इंटरेक्ट कर भी किए हैं और कोई स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग जितना भी प्रॉब्लम होता है निजी प्रॉब्लम के साथ साथ यहाँ पे सोशल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने का कोशिश करते रहते हैं विद्यार्थी सबका। अभी फिलहाल के लिए नया स्टूडेंट सब है, इन लोगों के अंदर देखते हैं क्या है नहीं है, तो उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। बाकी आप लोग का आने के लिए धन्यवाद। देख सकती है दरभंगा जिला और खिरमा में क्लास चलता है, केवटी प्रखंड खिरमा बाजार में। आप चाहे तो यहाँ पे क्लास करना आ सकते हैं, KYP क्लास। बहुत ही अच्छी तरीके से सर जो है बताते हैं। और जैसे कि मैं लाइव में जा करके दिखा कि स्टूडेंट जो क्लास के तो अभी तक क्या सीखे, यहाँ एक्स्ट्रा भी सिखाया जाता है, हमें एक्स्ट्रा भी सर जो है बताया जाता है कि हमें कैसे क्या करना चाहिए, बोलने की स्किल भी बताया जाता है। तो जैसे भी हम सर के पास अभी आए हैं और देख सकते हैं ये ऑफिस है और कैमरा भी लगे हैं, यहाँ की बच्चे जो क्लास करते हैं सर यहां से देखते हैं थ्योरी क्लास, लाइव क्लास। और नीचे जो आते हैं बाइक लगाते हैं, यहां पे मतलब 4 2 CCTV कैमरा लगे हुए हैं और सर यहां से देखते हैं। और सर से हम पहले एड्रेस पता करते हैं कि कहां, क्योंकि जो स्टूडेंट आना चाहते तो कहीं ना कहीं उसे एड्रेस पता होना चाहिए KYP क्लास करने के लिए। तो सर सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताएंगे। मेरा नाम मोहम्मद सफी अनवर हुआ, मैं KYP कोऑर्डिनेटर हूं, मैं KYP को ही चलाता हूं। और यहाँ आने का जो लोकेशन है यानी खिरमा पथरा अरमान मार्केट यानी हनुमान मंदिर के जस्ट पीछे में फर्स्ट फ्लोर पे है। तो जैसे कि देख सकते हैं और जो भी स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए आते सर उनका फ़ोन ले लेते, यही ना सर, फ़ोन जमा हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, तो वो फिर स्टूडेंट का नहीं है, तो वो फ़ोन इंस्टीट्यूट का है, संस्था का है। अच्छा, इस फोन से क्वेश्चन आंसर का क्लास होता है, क्लास में सिखाया जाता है। अच्छा सर, LED पे क्लास क्वेश्चन आएगा, तो उसके मोबाइल पे भी क्वेश्चन आएगा। अच्छा, तो स्टूडेंट लोग अपने मोबाइल से आंसर क्वेश्चन देंगे। हाँ। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है फोन रखा हुआ है और उधर से नहीं ना, देख सकते हैं यहाँ पे काफी फोन है सर, मतलब हर फोन जो है स्टूडेंट को आप देते हैं। जी जी, मतलब कोई फोन किसी को, जैसे कि आप भी कोई विद्यार्थी आए तो आप ये फोन उसको दे सकते हैं। हाँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे सब एंड्रॉइड फोन रखा, सब एंड्रॉइड फोन है ना सर, सब एंड्रॉइड पे, सब में नेट कनेक्ट होता है सर। यहाँ पे देख सकते हैं काफी फोन है और जो भी स्टूडेंट आते हैं फोन से भी सर उसको कैसे सर फोन से पढ़ाया जाता है सर, मतलब वाईफाई कनेक्ट इसमें सर्वर से कनेक्ट होने के कारण थ्योरी में जो देखे होंगे LED, हाँ LED देखे हैं, उस पे क्वेश्चन आएगा। वही क्वेश्चन स्टूडेंट के मोबाइल पे भी आएगा, तो वो स्टूडेंट आंसर देगा, क्वेश्चन का आंसर मोबाइल से देगा। अच्छा, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सुविधा सर के द्वारा दिया जाता है यहाँ पे खिरमा मार्केट में। ये खिरमा मार्केट, अगर आप चाहें तो क्लास करने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं, या ना सर।